after knowing about the discovery of cells, today I think or learn about organisms so variety in cell number, shape and size. Today I discuss about the number of cells, shape and size of it. How do scientists observe the study of the living cell? They use microscope which magnify object, stains यानी डाई रंगते हैं उसको, आर यूज टू कलर पार्ट ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर. यानी सेल के स्ट्रक्चर को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके उसके सेल ऑर्गेनेल और उसका क्या संरचना है, कैसा बना हुआ है, रंग और माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके हम लोग इसको स्टडी करते हैं. जैसे मिथाइल ब्लू या आयोडीन सॉल्यूशन का प्रयोग करके रंगा जाता है सेल को, तो डिफरेंट पार्ट्स जो सेल के होते हैं वो अलग अलग रंग अचीव करता है. हाँ, उसके बाद हम उसका स्टडी करते हैं. देर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप साइज. हमारी धरती पर लाखों ऑर्गेनिज्म हैं, सबों का शेप डिफरेंट है, आकार बड़ा, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गोलाकार है. यानी शेप का मतलब आकृति कैसी है, कि उसके बॉडी डिजाइन कैसा है, साइज कितना बड़ा है, कितना छोटा है, इस पर व्याख्या करता है. दियर ऑर्गेन ऑल्सो वेरी इन शेप साइज एंड नंबर ऑफ द सेल. लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम. अब देखो, सारे ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स का शेप ये सब डिफरेंट टाइप का होता है. अब सब के विषय में हम कुछ कुछ जानकारी लेंगे. नंबर ऑफ सेल्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं. यू कैन गेस द नंबर ऑफ सेल इन अ टॉल ट्री और इन ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट. द नंबर रन्स इनटू बिलियंस और ट्रिलियंस. जब आप बड़े ट्री, बड़े पेड़, एलिफेंट जैसा, हाथी जैसा बड़ा जानवर के शरीर में सेल की संख्या पर जब आप ध्यान देंगे तो लाखों करोड़ों की संख्या में सेल्स होते हैं. ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप एंड साइज, जिसका शेप और साइज बदलता रहता है. सभी सेल एक आकृति के नहीं होते. डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शन. एक बात मोटे तौर पर जान लें आप कि the function of cell determines by its shape. यानी यहाँ पर कह रहा है different groups of cell perform a variety of function. एक shape size के जो cells हैं, अगर वो इकट्ठा हुआ group में आया तो tissue बनता है जो एक particular function करेगा. लेकिन इस प्रकार के group of cells अलग अलग बने, बहुत सारे बने, तो variety of function अलग अलग कार्य करेंगे, है ना. लेकिन एक पार्टिकुलर शेप साइज वाली जो सेल्स होती है वो पार्टिकुलर फंक्शन ही करता है. अब बिलियन के विषय में आपके बुक में बताया है. अब बिलियन इज अ थाउजेंड मिलियन. अ ट्रिलियन इज अ थाउजेंड बिलियन. 1000 बिलियन ट्रिलियन में होता है और मिलियन में 1000 बिलियन में 1000 मिलियन होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया. ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर. अब यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम, इसको ऐसे डिवाइड कर दें. नंबर ऑफ सेल्स पर बात कर रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. द ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी हैज़ ओनली वन सेल आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, सम बैक्टीरियाज, ये सब के सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं. और दूसरा नंबर ऑफ सेल के मुताबिक ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं. द ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी हैज़ अ नंबर ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एज लाइक ह्यूमंस, काउज, ऑक्सेन.
ये सब जो बफेलोज, जिंट व्हेल यानी ब्लू व्हेल जिसको कहते हैं हम, और एलिफेंट, ये सब बहुत सारी कोशिकाओं के बनी होती हैं। जैसे अगर आपसे कोई कहे, पूछे सवाल कि दी साइज ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिटरमाइंड बाय द शेप ऑफ साइज ऑफ सेल, यानी सेल बड़ा बड़ा उसका होगा, है ना। यानी ऐसा आपसे कोई कहे कि एलिफेंट है और एक काऊ है, तो उसके एलिफेंट का शरीर बड़ा होने का कारण क्या है, पूछेगा। ऑप्शन दिया कि नंबर ऑफ सेल के कारण होता है, साइज ऑफ सेल बड़ा या छोटा होने के कारण होता है, तो एकदम इसका जवाब आप मोटे तौर पर जान लें कि नंबर ऑफ सेल्स के कारण कोई ऑर्गेनिज्म का शरीर बड़ा होता है या छोटा होता है। यानी छोटा साइज का ऑर्गेनिज्म है तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स कम है, बड़ा साइज का कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हैं। यानी साइज ऑफ सेल यानी सेल बड़ा होना या छोटा होना उस ऑर्गेनिज्म के साइज को डिटरमाइन नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर साइज पर जब बात करें, मैंने कहने का मतलब कि ये तो नंबर ऑफ सेल्स पर अभी तक हमने डिस्कस किया, अब नाउ वी कंसीडर अबाउट द साइज ऑफ सेल। व्हेन वी थिंक अबाउट द साइज ऑफ सेल देन वी फाउंड दैट डिफरेंट सेल्स हैव द सेल्स आर ऑफ डिफरेंट साइज बिकॉज सम सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, है ना। यानी वैसी कोशिकाएं भी हैं जिसको माइक्रोस्कोप से ही आप देख सकते हैं, और कुछ सेल्स ऐसे हैं जो नेकेड आई से आप देख सकते हैं, जैसे एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो बिगेस्ट एग है, और सबसे छोटा एग है माइकोप्लाज्मा जिसे आप खुली आंख से नहीं देख सकते। यानी इस आधार पर हम कह सकते हैं कि द साइज ऑफ सेल्स आर डिफरेंट, है ना, इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म साइज शेप, सेल का साइज बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। अब शेप पर आते हैं, हम अपने ही शरीर के सभी कोशिकाओं सभी सेल्स पर ध्यान दें तो हर ऑर्गेन में अलग अलग शेप अलग अलग आकृति की कोशिकाएं होंगी। जैसे नर्वस सिस्टम का सेल न्यूरॉन जो है वो लंबा होता है बिकॉज इट हैज़ टू बी ट्रांसफ़र मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। इस प्रकार सेल्स का शेप भी डिफरेंट होता है। और एक यहाँ पर नोटेड पॉइंट आप याद रखें, द शेप ऑफ द सेल डिटरमाइंस इट्स फंक्शन, यानी सेल का फंक्शन उसके शेप द्वारा निर्धारित होता है। जैसा कार्य करना होगा उसी तरीके का उसी शेप का सेल होगा। स्टॉप कर दो।